क्यों दूर जाके सो गई है मेरी अकेली जान, मैं क्या क्या करूं? ओहो नसीबन, नसीबन इतना अरसा हो गया तुम्हें इस घर में, आधा दूध तो तुम चूल्हे पर ही गिरा देती हो। वो बेगम साहबा, मैं वो क्या वो मैं इतनी तेज आंच पर दूध रखने की जरूरत क्या थी? नहीं अम्मी, इसमें नसीबन की कोई गलती नहीं है। असल में वो मैं सलमान को उठाने के लिए चली गई थी ना, और साथ में उसके पापा को, तो जहन से निकल गया कि चूल्हे पे दूध रखे। बेटा नसीबन को तो चूल्हे पे नज़र रखनी चाहिए थी। अम्मी कोई बात नहीं, सुबह इतने सारे लोगों का नाश्ता भी तो बनाना होता है। हाँ ये तो है। नसीबन, निमरा का नाश्ता उसके कमरे में ही दिया। जी बेटा साहब। शुक्रिया बड़ी बहू, आपने मुझे बचा लिया, वरना। कोई बात नहीं नजीबन, काम में ऊंच नीच तो होती रहती है ना। फातिमा बीबी आप कितनी अच्छी हैं, और एक वो है। पूरी बात, किसी की बुराई नहीं करते। अच्छा जल्दी करो, देर हो रही है। सही। ये अखबारी पेशेंट गोइयां हमेशा गलत साबित होती हैं। तो फिर आप किसकी क्लास लेकर आ रही हैं इस वक्त? ये नसीबन बहुत कामचोर हो गई है। क्यों? अब उसने ऐसा क्या कर दिया? वो तो बड़ी फरमा बरदार है। खाक फरमा बरदार, जानती भी है कि निमरा के आराम के दिन है, मगर मजाले जो उसका जरा सा ख्याल रखे। ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा बेगम साहिबा, लेकिन देखिए निमरा को इस वक्त नौकरानी नहीं, आपकी तवज्जो की जरूरत चाहिए। मैं कौन सा कहीं दूर जा रही हूँ? और वैसे एक बात बताएं, अदनान के टाइम आपने ख्याल रखा था उसका? वैसे एक बात है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार अल्लाह ताला हम पर ज़रूर करम करेंगे। जा गई आपकी पोती की ख्वाहिश। अल्लाह ताला ने मुझे बेटी की नेमत से ज़रूर महरूम रखा है, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि मेरी ये ख्वाहिश पोती की सूरत में ज़रूर पूरी होगी। आप भी अजीब हैं, लोग पोतों की ख्वाहिश करते हैं, और माशाल्लाह से आपके दोनों बेटों को अल्लाह मियां ने बेटे दिए, और आप फिर भी खुश नहीं। अच्छा तुम छोड़ो ये सारी बातें, बस अल्लाह ताला से दुआ करो कि निमरा के तुफैल अल्लाह इस घर में परी भेज दे। तुम देखना मैं इतनी खुशियां मनाऊंगा, इतनी खुशियां मनाऊंगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। खुशियां बाद में मना लीजिएगा, अंदर चल के नाश्ता करते हैं। आ जाइए फौरन। चलिए चलिए। रेहान, I'm so sorry, आपको मेरी वजह से फिर से देर हो गई। नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम अपनी नींद पूरी करो, वैसे भी हमारी होने वाली बेटी के लिए अच्छा है। रेहान ये क्या आप लोग हर वक्त बेटी बेटी की रट लगाए रखते हैं? उसमें इतना इरिटेट होने वाली क्या बात है? अम्मी अब्बू की ख्वाहिश है, बल्कि हम सबकी। तो यही तो कह रही हूँ, अब मेरे बस में थोड़ी है कुछ। तुम टेंशन ना लो सुबह सुबह। अरे आराम से, क्या कर रही हो? तुम्हें पता भी है इस हालत में तुम्हें? रेहान मुझे पता है, आराम से ही जा रही हूँ, नाश्ता बनाने दे, आपको देर हो रही है ऑलरेडी।
ड्रेस बना के लाती हूँ, आप तैयार हो जाओ। सलमान स्कूल चला गया? हाँ, वो तो काफ़ी देर हो गई है। आप सो रहे थे, आपको प्यार करके गया है। अच्छा, इस संडे मुझे याद दिलाना, उसके लिए नए जूते खरीदने। वो तो कल शाम को मैं मम्मी के साथ चली गई थी, साथ में उसे भी ले गई थी, उसके नया यूनिफॉर्म और शूज़ भी लेकर आ गई थी। एक बात कहूँ, मैं मानता हूँ कि तुमने मुझे और इस घर को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है, लेकिन तुम्हें अपना भी ख्याल रखना चाहिए। मेरा ख्याल रखने के लिए आप जो हैं। अच्छा, आप ऐसा करें, नाश्ते की टेबल पे जाएं। मैं जरा नसीबन को देखूं निमरा का नाश्ता बनाया कि नहीं। हाँ, एक बात कहूँ, बाबा बहुत एक्साइटेड होंगे, एक बार फिर इस घर में खुशी आने वाली है। क्यों इस बार उन्हें यकीन है कि पोती पैदा होगी? मेरा भी यही दिल है कि इस बार निमरा की बेटी हो। अब देखो कुदरत को क्या मंजूर। चले, ऐसा ना ऑफिस से आप लेट हो जाए, आ जाए। मैं आ रहा हूँ। काम कैसे चल रहा है बेटा? जी अब काम चल रहा है बस। क्या मतलब, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो, कोई बात है क्या? नहीं नहीं यार, परेशानी की कोई बात नहीं है, बस एक ऑर्डर है जो कि एक महीने के अंदर अंदर देना। आई सी, तो फिर क्या करोगे तुम? फिर मैं यही सोच रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैं अपने काम को दूँ। भाई आपने बताया नहीं, वरना मैं ज़्यादा वक्त दे देता। नहीं नहीं रेहान, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया। देखो निमरा को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, तुम निमरा को वक्त ज़्यादा दो, मैं अकेले काम को देख लूँगा। भाई इस घर में निमरा के लिए और भी लोग हैं, आप अकेले कैसे करेंगे? नहीं रेहान, यूसुफ ठीक कह रहा है, तुम निमरा का ख्याल रखो, बाकी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, यूसुफ देख लेगा। पर बाबा यूसुफ, तुम अमजद को भी तो लगा सकते हो ना अपने साथ। बाबा अमजद को भी इतना काम नहीं आता, वो अकेले ये सब नहीं संभाल सकेगा। भाई ठीक कह रहे हैं, उसे बिल्कुल भी काम नहीं आता, पता नहीं कहाँ होता है उसका दिमाग। सीख जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, जब सर पे जिम्मेदारी पड़ेगी तब। देखो भाई, ऐसे तो वो निमरा का भाई है, लेकिन आखिर उसे एस्टेब्लिश भी तो तुम ही लोगों ने करना है। गुड मॉर्निंग। ये तेरा गुड मॉर्निंग है? तो क्या हुआ, आंख देर से खुली आज? अमजद, ये जो तेरे रोज रोज के बहाने हैं ना, मुझे रेहान को भी जवाब देना होता है। क्यों, रेहान भाई को एतराज है क्या? हाँ है, उनसे ज्यादा मुझे एतराज है। सब नाश्ता कर चुके, तेरे लिए अलग से बनेगा अब? तूने भी तो नहीं किया अभी तक, दोनों इकट्ठे ही कर लेंगे। और वो नसीबन किस काम की है, वो नहीं बना के दे सकती मुझे नाश्ता? एक बात ना मेरी गौर से सुन ले, तू इस घर का दामाद नहीं साला है, अपनी औकात में रह। तेरी वजह से मेरी पोजीशन भी खराब होती है घर में। वाह, ये ना सोचियो कि एक दिन मेरी वजह से तेरी पोजीशन स्ट्रांग होगी इस घर में। क्यों, सोने के अंडे देने लगा है क्या? अरे सोने की क्या बात करती है, हीरे की बात कर, हीरे की। अच्छा मेरा दिमाग मत खराब कर इस वक्त। अच्छा चल मुझे नाश्ता तो करा दे, चल ना करा दे। अच्छा चल, आती हूँ, कराती हूँ नाश्ता। फिर मुझे कहते हैं कि देर करता। जा, चुप नहीं करेगा, बोलता रहेगा बड़बड़।
रेहान तो अभी तक गए नहीं। भाई मैं अमजद का वेट कर रहा हूँ, वो आता है तो मैं निकलता हूँ। पता नहीं क्लाइंट के पास कितनी देर लगेगी। मीटिंग कितने बजे थी भाई? मीटिंग का टाइम तो हो गया है, बस हम जद ना आया तो मैं निकलता हूँ। प्लीज क्या कर रही हो निम्रा? शांति, सर में बहुत दर्द है। मुझे मालूम है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। ये लो अनार का जूस, बेहतर महसूस करोगी। अच्छा है ना? बहुत मजे का। आपने बनाया ना? नहीं, फातिमा ने बनाया है। बहुत ख्याल रखती है वो तुम्हारा। बहुत खट्टा है आंटी, मेरा गला खराब हो रहा है। बेटा खट्टा था तो तुमने पिया क्यों? बता देती मैं शहद डलवा देती। कोई बात नहीं, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मैं कमरे में जा रही हो गई है। इतना शोर मचाया हुआ आप लोगों ने, इतनी मुश्किल से मेरी आंख लगी थी। कल से सर में दर्द है, मैं सोई नहीं हूँ। इस घर में किसी को मेरा ख्याल नहीं है। सॉरी निम्रा, मैं इसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये सो नहीं रहा। आई थिंक अदनान तुम्हारे पास आना चाह रहा है। भाभी आपको पता है मेरी तबीयत खराब है, और ऐसी हालत में मैं अदनान को गोद में नहीं उठा सकती। मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ, मगर प्लीज शोर मत मचाए। अच्छा ठीक है, तुम जाके आराम करो, मैं इसको सुलाती हूँ। चलो चलो, शाबाश, चुप खामोश। अरे निम्रा, कि तुम क्या खा रही हो? बेटा पानी डाल कर दो निम्रा को। और मैंने जो इसके लिए सब्जी बनवाई थी वो कहाँ है? अम्मी वो नसीबन, नसीबन सब्जी लाए। यूसुफ आपको कुछ चाहिए? नहीं बस ठीक है। बच्चे गए? बच्चे तो सो गए। लाए। अरे नहीं भाभी बस। अरे खाओ, तुम्हारे लिए अच्छा है। बस भाभी और नहीं खाया जाएगा। थैंक यू। आपको तो यूसुफ? नहीं ठीक, मुझे तो बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। बस रेहान बेटा, लोग बेटों के लिए तरसते हैं, अल्लाह ने मुझे दो दो बेटे दिए, लेकिन मैं हमेशा बेटी के लिए तरसता रहा हूँ। इस बार मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस घर में पोती होगी। अंकल इंशाल्लाह इस दफ़ा आपकी ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी, मुझे पूरा यकीन है। इंशाल्लाह बेटा, मुझे भी लगता है कि इस बार मेरी उम्मीद मेरा परवरदिगार ज़रूर पूरा करेगा। देखा तूने, सारा घर तुझसे उम्मीद लगा के बैठा है बेटी की। इसीलिए तो मेरे नखरे उठाए जाते हैं। तू इसे नखरे उठाना कहती है? क्या मतलब? ओ मेरी भोली बहन, जरा उस वक्त को सोच जब इस घर की पहली बेटी तेरी होगी। राज करेगी राज, पूरा घर तेरे आगे पीछे होगा हमेशा। कह तो तू ठीक रहा है, इस घर पे सिर्फ मैं राज करूंगी, सिर्फ मैं। बस तू दुआ कर। अरे दुआ तो मैं तेरे लिए हमेशा ही करता हूं, लेकिन इस बार मेरी दुआ कबूल हो जानी है। बस एक शर्त है। कैसी शर्त? तू मानेगी नहीं। बोल ना। मुझे ना बचपन से चाइनीज खाने का बड़ा शौक था,
खिला दे। छोड़, चाइनीज का बच्चा, खिला दूंगी, बोलूंगी नसीबन से बना देगी। भाभी को पता नहीं क्या हो गया, इसे हॉस्पिटल लेके जाना है, जाओ रेहान को बताओ जल्दी। फातिमा जी, मैं बुलाती हूँ। फातिमा होश में आओ। क्यों दूर जाके सो गई है माँ। नैनों से नैनों का रिश्ता है बरसों का, ये है जियो